एक तो मन वैसे ही बहुत उदास था क्योंकि इन दिनों में बहुत सी ट्रेजिक न्यूज़ आती रही हैं। हमारे कई मित्र हमें छोड़कर इस दुनिया से कूच कर गए। बहुत अफसोस भी हुआ और कुछ इस बात को लेकर भी अफसोस हुआ कि क्या हम हिंदुस्तानी अपने व्यवहार में कभी भी सुधर पाएंगे कि नहीं, और अगर नहीं सुधर पाएंगे तो क्या कारण है? क्या हमें एक बेसिक कैरेक्टर की कमी को दूर नहीं कर सकते? एक बेसिक कैरेक्टर हम अपना इतना स्ट्रांग नहीं कर सकते कि हमें ये पता हो कि किस समय पे क्या बोलना है, क्या करना है, कैसा व्यवहार चाहिए, क्यों? जानते हैं हमारे हिंदुस्तानियों की एक ही बुरी आदत है कि हमें कब किसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये नहीं जानते। दैट इज लैक ऑफ डिसिप्लिन। जब किसी के घर में मृत्यु का शोक हो, आपका एक एक चहेता, एक बंदा, एक प्यारा आपको छोड़कर दूर, ऐसी दूर जगह चला जाए जहां से वापस लौटने का कोई चांस ही नहीं, उस पर भी आप शोर मचाएंगे? उस पर भी आप ये बताएंगे कि हम हिंदुस्तानी कैसे हैं, क्यों हम शांति से इस प्रथा को भी पूरा नहीं करते? भाई, किसी के घर में कोई बड़ा गया है। इनफैक्ट मैं जिस अर्थी की बात कर रहा हूं, जिसके आखिरी दर्शनों की बात कर रहा हूं, दिलीप साहब, यूसुफ खान साहब, जब वो गए हैं तो आपने देखा कोई भी अगर आता था उनको अपनी रिस्पेक्ट देने, उनकी कब्र पर या मस्जिद पर अपना माथा टेकने, तो किस तरह चीखा चिल्ली हो रही थी? राजा भाई यार, तू क्या फ्रेम पीछे ना, मोबाइल सर्जन के पास बोल ना, तो फिर मुंह में से कि आपने किसी अपने के साथ ऐसा हो जाए और कोई आए तो आप ऐसा व्यवहार करना चाहेंगे? और वो भी वो आदमी, वो पढ़ा लिखा शख्स जिनको कई जबानें आती थी, दिलीप कुमार, जिसने पूरी दुनिया पे राज किया है एज एज एक्टिंग का बादशाह, कलाकार। कौन सा ऐसा अवार्ड है जो उन्होंने नहीं लिया? अरे सब
70-75 साल उनको हमारी सेवा करते हुए हो गए हैं, और जब वो आखिरी रास्ते पे थे, जा रहे थे और खाक के सुपुर्द होने वाले थे, उस वक्त भी आपने बख्शा नहीं, चीखा चिल्ली, हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है भाइयों, ऐसा मत करो। कोई भी हो, किसी की भी अर्थी जा रही हो, शांति, ओम शांति का पाठ करना, अल्लाह को, वाहेगुरु को याद करना, यही तो होता है। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, फिर हम क्यों नहीं सुधरते यार। निहायत अफसोस हुआ कि वो सही आदमी, वो इतना बड़ा पढ़ा लिखा, जिसको पर्शियन, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, पेशावरी, क्या क्या भाषा नहीं आती थी, वो आदमी जब जाता है तो आप उसको इस तरह विदा करते हो, शोरगुल मचा के, हंस खेल के? नहीं नहीं भाइयों, दिस इज नॉट डन। मैं गुजारिश करता हूं, चाहे कोई भी आए उस वक्त, हाथ जोड़ के ओम शांति करते साथ में चलो। आंखें तो खुली है ना आपकी, दीदार करो, बोलो मत कुछ। इससे ना सिर्फ डिसिप्लिन टूटता है, एक ऑर्डर टूटता है, सगे संबंधियों की आत्मा को ठेस पहुंचती है, जाने वाले की ये इंसल्ट होती है, और जो आया है रिस्पेक्ट देने, उसको भी अच्छा नहीं लगता। सुबेर बानी करके अपने आप को संभालिए, एक कर्तव्य परायण और डिसिप्लिन देश बनने की कोशिश कीजिए, फॉर गॉड सेक। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, बुरी बात है। एक बड़ी शख्सियत गई है, आपको तो उदास होना चाहिए, चुप होना चाहिए, शांत होना चाहिए, अंदर ही अंदर दुआएं मांगनी चाहिए कि भगवान जाने वाले को स्वर्ग दे, शांति दे। उम्मीद है मेरी इस गुजारिश, इस प्रार्थना को आप सीरियसली लेंगे, और आइंदा किसी की अर्थी पर यूं मजाक नहीं बनाएंगे। ओम शांति शांति।